नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेडल ऑफ जॉय में। मैं हूं आपकी होम शेफ किरण और आज आपसे शेयर करूंगी तवा वाली पकौड़ी की रेसिपी। तवा पकौड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे हैं आलू, उबले हुए आलू लेने हैं। यहाँ देखिए मैंने दो आलू लिए हैं उबले हुए और इनको इस प्रकार से काट लिया है। दो उबले हुए आलू लीजिए और उनको इस प्रकार से गोल काट लीजिए। आलू उबले हुए इसलिए लेते हैं क्योंकि हम तवा पकौड़ी बना रहे हैं, तो जो तवा पे बनाएंगे तो आलू गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए उबले हुए आलू लेने से काफ़ी जल्दी बन जाता है। एक कप बेसन, लाल मिर्च एक चम्मच, हरी मिर्च एक छोटी हरी मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अजवाइन एक चम्मच, खाने वाला सोडा करीब 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, सूजी करीब 2 चम्मच, धनिया पत्ता करीब 1/4 कप और तलने के लिए तेल। अब हम सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन का बैटर बनाने के लिए ये एक कप बेसन में आप इसमें मिर्च डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, नमक स्वाद के अनुसार, सूजी करीब 2 चम्मच, धनिया पत्ता और लाल मिर्च। इसको एक प्रकार मिला लीजिए पहले, और ये हमारा खाने वाला सोडा है। पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी पहले नहीं डालना है, बेसन का घोल हमारा पतला नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ा ही रहता है तभी हमारी पकौड़ी अच्छी बनती है। ये देखिए अब हमने ये बैटर तैयार कर लिया है, देखिए बैटर कितना गाढ़ा है। इसी हिसाब का, इसी तरीके से आपको बैटर बनाना है, गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। एक नॉनस्टिक तवा लीजिए और उसमें एक चम्मच तेल लेके इस प्रकार से अच्छी तरह से उसको चारों तरफ घुमा लीजिए। तवा गर्म हो जाने पर हम ये आलू की पकौड़ी इसमें रखेंगे। अब हम पकौड़ी डालना शुरू करेंगे। इस तरीके से पकौड़ी को तवा पे रख देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने तवा में पकौड़ी डाल ली है। तेल को आपको इस सब पकौड़ी के बीच में डालने के लिए आप तवा को इस प्रकार से घुमा सकते हैं। एक तरफ से पकौड़ी लाल हो जाने पर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए पकौड़ी अभी हमारी लाल नहीं हुई है, तो धीरे धीरे एक एक करके इसको थोड़ा पलट सकते हैं। और हमने यहाँ पे दूसरी ओर पकौड़ी फ्राई करने के लिए रख दी है। ये पकौड़ियाँ एक ही साथ काफ़ी सारी मात्रा में बन जाती हैं तवे पे काफ़ी स्पेस होता है। अगर आप और इससे बड़ा तवा लेंगे तो और ज़्यादा पकौड़ी एक बार में बना सकेंगे। देखिए पकौड़ी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से लाल हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी पकौड़ी तलने के लिए रख देंगे। तलना नहीं है, केवल सिंपली फ्राई करना है। ये देखिए आपकी तवा वाली पकौड़ी रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी मैं आपसे दूसरी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।